सिस्टर की मैरिज है, उसके लिए यार तैयारियां तो बहुत सारी करनी है। पूरे घर में मैंने खलारा कर रखा था, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी, ज्वेलरी पैक हो गई थी, और एक लहंगा मैंने निकाला था जो कि मैंने पहले लेके जाने का प्लान करा था, पर सामान ज़्यादा हो गया था। फिर हम नीचे आए, फटाफट खा के निकलना था, परांठे खाते ही गाड़ी में सामान लगा और मैंने बेड बनाया, क्योंकि बहुत ही लंबा ट्रैवल है और हमें रुकते रुकते जाना। आज हम रुकेंगे चंडीगढ़, वहाँ जाके शॉपिंग करनी है, काम करनी है। सो यहाँ पर माँ पापा को राजा बाय बाय बोल रहा है, और माँ पापा को बाय बाय बोल के हम लोग निकल लेते। बोल रहा है डैडा पैर ऊपर लेने दो माँ के, मुझे मत्था टेकना है। और रास्ते में ना थोड़ा काम चल रहा था, सो बहुत ही स्लो स्लो हम लोग गए। फिर रास्ते में फर्स्ट हमने टी ब्रेक लिया, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी कॉफ़ी पी, मैंने कुछ सब्वे से खाया और इन लोगों ने मैकडी का बर्गर वर्गर खाया। और उन्होंने राजा को ये गिफ्ट किया था जो कि मैं लगा के बैठी थी, बिकॉज ऑब्वियसली राजा नहीं लगा रहा था। फिर हम घर जाने के बजाय सीधा आ गए, चेंज करते ही फटाफट शॉप पे। पहले विवेक को अपने फॉर्मल जूते लेने थे जो कि इंगेजमेंट के लिए कल ही पहनने थे। उसके बाद मैंने देखे, विवेक ने देखे, राजा ने देखे, सब ने देखे। तो मैंने एक तो बिल्कुल पंजाबी जूती देखी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि बिल्कुल फ्लैट वाली पहनो। और एक मैंने बहुत ही अच्छी हील देखी, जिसमें बहुत ही मिनिमम सी हील थी और मुझे अच्छी भी लगी थी, और ये ऊपर बहुत ही चबो वाला स्टाइल था, तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। मैंने सोचा ये कंफर्टेबल भी ले लेना चाहिए। देन हम सैलॉन गए, उसके बाहर ना बच्चों का कुछ झूला वूला लग रहा था। राजा वहाँ पहुँचते ही मेरे को तो जाना है, वहाँ ट्रैम्पलिन था और भी बहुत कुछ था वहाँ। इसने इवन फ्रेंड्स भी बना लिए, दो तीन बच्चे वहाँ पे और आ गए। राजा ने वहाँ पे करी फुल मस्ती। सैलॉन पहुँचते भूख लग रही थी, तो हमने कुछ ऑर्डर कर दिया खाने के लिए। और ये देखो, मैं इसको पाउडर से, क्योंकि इसका अजीब हो रहा था कि अब घर चलो घर चलो, तो मैं इसके साथ खेल रही थी, कुछ कुछ मन बना रही थी इसका। फिर हमारा खाना आ गया और हमने नीचे से ऑर्डर करा था बहुत कुछ, जिसमें मैंने मोमोज, पाव भाजी और पानीपुरी बहुत कुछ ऑर्डर करा था। घर आए तो मेरे फेवरेट वाले पार्सल आए थे, मैं आपको बताती हूँ। आप सब लोग जसलीन अरोड़ा को जानते हो, जो कि इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने बहुत ही प्यारा बुटीक शुरू करा है, जहाँ से उन्होंने कस्टमाइज करवा के भेजे हैं मेरा सूट, राजा और विवेक के लिए कुर्ते। और विवेक को उस कुर्ते का इतना दीवाना हो गया ना, मतलब मुझे ही वो कुर्ता देख के लग रहा था अगर विवेक इस कुर्ते को पहनेंगे मुझे इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि लोग इनको देखेंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। और मेरे लिए ये ब्लू वाला सूट था, वैसे मेरा ब्लैक सूट उनके साथ ट्विनिंग का आना था, बट आई डोंट नो, शायद फैब्रिक उस टाइम पर नहीं अवेलेबल होगा जब कुछ, तो आ नहीं पाया। वैसे नानकी बुटीक है उनका जो उन्होंने ओपन किया, बहुत ही प्यारे प्यारे सूट है। अब मैं दिखाती हूँ जो राजा के लिए और विवेक के लिए बनाओ। माय गॉड, इतने अच्छे कुर्ते थे, मेरा दिल आ गया। मेरा सेम इसी कपड़े का सूट बन के आना था जो आ नहीं पाया। और विवेक ने जब ये कुर्ता पहना ना, मैं कहती हूँ, मतलब आपने व्लॉग में देख लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नज़र ही ना लग जाए। और सेम राजा का भी कुर्ता आया था ऐसा ही, उसके साथ एक और ही बहुत ही प्रिटी सा पिंक कलर का कुर्ता था, उसमें भी राजा और विवेक का ही कुर्ता था। और इतने प्यारे थे ना, सब ट्विनिंग थी उनकी, और मुझे इतना मज़ा लग रहा था कि ये तो इतने अच्छे लगने वाले, लेकिन मैं रह गई। एक चैन भी आई थी बहुत ही अच्छा, इस कुर्ते के साथ चैन अच्छी लगती है। और ये कुर्ता भी इतना प्यारा था, मतलब दोनों वेडिंग पे भी अगर पहन लो ना तो भी इतने सुंदर लगेंगे, इतने प्यारे कुर्ते थे। और ये बनाया था विहान भैया ने, बहुत ही अच्छा। मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा राजा का ऑल्टर करवाना पड़ेगा, बाकी सब परफेक्ट था। सो अभी हमारी तैयारी डन है, कल हमें इंगेजमेंट पे जाना है। सो गाइज मिलते हैं कल, बाय बाय।